हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल माई हेल्प सीओ में। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो आप सभी के पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा। तो जिन सभी के पास भी आधार कार्ड है, आधार कार्ड वाले धारक यहां पर सावधान हो जाइए। जिन सभी के पास आधार कार्ड है उन सभी को इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। जून के पहले आपको ये काम करना है, जो नया अपडेट आया है, नया गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट किया गया। अगर आप 14 जून के बाद इस काम को करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे। अगर आप सभी के पास है आधार कार्ड तो ये काम आपको ज़रूर से करना है, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको आधार कार्ड के लिए पैसे देने होंगे यहाँ पर, तो सभी को देना होगा पैसा। तो यहाँ पर क्या अपडेट है इसकी वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे क्या आपको कैसे करना है। तो सीधा चलता हूँ वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पर हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको myaadhar.gov.in आपको यहाँ पर सर्च करना है और फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको लॉगिन करना है। तो सीधा आपको लाइव चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर बताने से नहीं होगा, तो सीधा आपको लाइव करता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका यहाँ पर एक कैटेगरी होना चाहिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को डाल देना है, उसके बाद से ये कैप्चर को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैं कैप्चर को और आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालने के बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, तो OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी डिटेल को भर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, यहाँ पर आधार कार्ड के अपना जो अकाउंट है उस पर मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। यहीं से आप अपना जो आधार कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अगर आप प्लास्टिक आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहीं से आप अपना प्लास्टिक आधार कार्ड को भी ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो आप एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन नीचे आप जैसे ही आएँगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है कि देख सकते हैं कि क्लिक है टू अपलोड योर प्रूफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि यहां पर दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14/6/2023, यानी कि 14 जून तक यहां पर आपको फ्री में यहां पर मिलेगा करने के लिए। उसके बाद से अगर आप करेंगे तो यहां पर पैसा लगेगा। तो देखिए यहां पर क्या बताया गया, आपको मैं अच्छे से एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन नहीं कराया, यानी कि 10 साल से अभी तक आपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या कुछ भी अपडेट नहीं कराया है, और आपका जो आधार कार्ड है 10 साल से अभी तक आप में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो ऐसे आधार कार्ड के लिए यहां पर गवर्नमेंट ने ऐसा निकाला है कि यहां पर सभी लोग अपना अपना जो कोई भी डॉक्यूमेंट देकर आप इसको वेरीफाई करेंगे, ताकि उनको लगेगा कि हाँ अभी जो कार्ड धारक है वो अभी मौजूद टाइम पर है, उसकी यहाँ पर डेथ नहीं हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना, वरना जो आपका आधार कार्ड है उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा अगर आप ये काम नहीं करते हैं। अगर आपने 10 साल के अंदर में कोई ना कोई चेंजेस कराया है आधार में, कुछ भी सुधार कराया है, तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जानकारी बताई गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर कुछ जानकारी आ जाएंगी। उसके बाद से यहाँ पर आपको आई वेरीफाई दैट अबाउट के डिटेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रूफ मांगा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे, जैसे कि मार्कशीट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको उसको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से आप वहाँ पर सक्सेसफुली आपको प्रिंट मिल जाएगा, एक रिसीविंग मिल जाएगी, तो आप इसमें सक्सेसफुली ये काम कर चुके हैं और आपका आधार कार्ड चलता रहेगा, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने पहले भी यहाँ पर अपडेट कर लिया है, तो मेरे में ये डेट सभी के इसमें दिखा रही है, लेकिन मैंने 10 साल के अंदर में कई बार इसमें चेंजेस कराया है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं। एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर मैं बता रहा था, तो ये जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। जो भी स्टूडेंट हैं इन सभी को ज़रूर अपडेट करके रखिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।